समारोह में पहुंचे हैं। एक नया जोश देखने को मिला आज हरियाणा में और नई त्रिपाठी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाए जाने चाहिए और ऐसा ही जोश आज सारे हरियाणा में देखने को। तो क्या कहेंगे सर, लगातार ही ऐसे पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, प्रदेश में मनाया गया है, हर जल से मनाया गया, विशेष हरियाणा वासियों के लिए आज के दिन कोई खास थे उनको याद किया गया है इस गणतंत्र दिवस पर। अक्सर देखने को मिला था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनको इस तरह से सम्मान नहीं मिला था। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, कुछ लोगों को बुला दिया गया, केवल कुछ ही लोगों को याद किया जाता रहा। हम चाहते हैं कि सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। सर, पंजाब इलेक्शन है, पंजाब इलेक्शन को लेकर आपकी कोई अहम जिम्मेदारी हो सकती है? नहीं, पार्टी जो लगाएगी उसको करेंगे। तो पांच राज्यों में चुनाव है सर, क्या देखते हैं बीजेपी की स्थिति में रहेगी? पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं विकास की राजनीति। आज से पहले भावनाओं को भड़काने की राजनीति होती रही, कभी गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, गरीबी तो आज तक नहीं हटी, लेकिन दो तीन चुनाव जीत लिए। कभी किसी ने कह दिया कि इसकी माँ मर गई, इसको वोट दे दो, कभी कोई और बात कह दी, इन मुद्दों पर ही चुनाव होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा मोड़ दी है, आज केवल और केवल विकास के मुद्दे पर राजनीति हो रही है और हर हिंदुस्तानी आज विकास चाहता है, इसलिए सभी प्रदेशों में कोई पार्टी कोई नेता कुछ कह रहा हो लेकिन वोट पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। पंजाब में लगातार जयराम की राजनीति को कैसे देखते हो सर? पटियाला में उसमें क्या कहेंगे, लगातार क्या खामियां हैं, किस वजह से हो रहा है? लूज एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो तो किसी की भी इस प्रकार का करने की जरूरत नहीं हो सकती। सर, पांचों राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं इसमें आयाराम गयाराम बहुत जो नेता है दल बदल के इधर उधर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या स्वार्थ, मतलब नेताओं का स्वार्थ ज्यादा नहीं हो गया सत्ता के लिए? देखिए, अब ये तो इसका आंकलन तो लोगों को करना चाहिए। ईडी को लेकर क्या कहेंगे सर? ईडी की छापेमारी हो रही है फिर दोबारा से, आज फिर पंजाब में है। देखिए, जिन पर छापेमारी हो रही है अगर वो ठीक हैं तो फिर चीखने चिल्लाने की जरूरत क्या है, फिर क्यों जन्नी जी बोल रहे हैं? अगर वो ठीक हैं और वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनको तो ईडी का सहयोग करना चाहिए। तो भूपेंद्र हुड्डा ने गंभीर आरोप पुलवामा के अंदर फौजी भाई शहीद हुए थे, उसकी जांच का क्या हुआ? पुलवामा में फौजी भाई शहीद हुए थे देश के, तो उससे जांच का क्या हुआ? हाँ, वो हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार के भ्रष्टाचार के, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे अब डाडा जो खान का है उस पर लेकर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, ऐसा है, सभी मामलों की जांच चल रही है। इनके राज में तो मामले दबा दिए जाते थे, इनके मामले में तो FIR दर्ज करवाने के लिए भी महिलाओं को DGP दफ्तर के बाहर आके आत्मदाह करना पड़ता था। हमारे राज में ये नहीं है, सब कुछ सर, मास्क का चलान काटा जाता है जनता का, लेकिन हुआ सबसे न्यारा सबसे प्यारा हमारा तिरंगा, मन मन बहते हवा के ये झोंके, नील गगन में वितरण करते हुए पंछी भी आज राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसी तिरंगे को फहराने के लिए किसी देश दलों को लंबी लड़ाई करनी पड़ी। गणतंत्र दिवस इन गौरवशाली दिनों में जहाँ मौका आया अपने मुलियों को लाभ करने का, वही आइए बैठकी के 40,000 यात्री प्रतिदिन लाभ उठा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई संजीवनी जो की कोरोना काल में जिसने एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया, प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में बैठे लोगों ने इस जैसे फोन पर भी बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। घर बैठे ही डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मुफ्त में परामर्श लिया जा सकता है। किसी भी तरह की बीमारी से परेशानी में संजीवनी ओपीडी की वेबसाइट पर नाम, पता आदि जरूरी जानकारी देकर रजिस्टर करो। ओपीडी के साथ टोकन मिलेगा, टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करो और बारी आने पर डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस। स्मार्टफोन पर ई संजीवनी ओपीडी ऐप डाउनलोड करके घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अच्छी बात ये है कि ये सुविधा हफ्ते में सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति 1075 कोविड हेल्पलाइन पर